और हैलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ रियर में आपको कॉल नेविगेशन और नोटिफिकेशन अलर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ 1.9 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। आप 0-100 किलोमीटर पर आवर ओनली 14.10 सेकंड में अचीव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकनाथ एंड यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। जैसे कि मैं आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए हीरो एक्सपल्स 200 की वीडियो लाऊंगा, तो मैं अपना प्रॉमिस निभाया हूँ और आप सभी के लिए लेके आया हूँ हीरो एक्सपल्स 200। अगर आप बजट सेगमेंट में बेस्ट ऑफ रोडिंग बाइक ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। लुक्स के बारे में बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 आपको फुल्ली नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाती है, जहाँ आपको ऑफ रोडिंग फ्रंट मडगार्ड देखने को मिल जाता है और उसी के साथ इंजन गार्ड भी देखने को मिल जाता है। कलर की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको 5 डिफरेंट कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको व्हाइट, पोर्ट्स रेड, मैटी ग्रीन, मैटी ग्रे और पैंथर ब्लैक कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लाइटिंग की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको फ्रंट में एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प और हैलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ रियर में आपको एलईडी टेल लैम्प और हैलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। हीरो एक्सपल्स 200 में आपको विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, जो आपको हाईवे में विंड ब्लास्ट से बचाने में मदद करेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको डिस्प्ले में दो पोर्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट पोर्शन में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गॉज और टाइम देखने को मिल जाता है, और दूसरे पोर्शन में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको कॉल नेविगेशन और नोटिफिकेशन अलर्ट देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ आपको हीरो एक्सपल्स 200 की इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में साइड स्टैंड इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, न्यूट्रल, एबीएस और इंजन मलफंक्शन इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो हीरो एक्सपल्स 100 की लेफ्ट हैंडल बार में पासिंग स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ 1.9 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको 35 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको 99.6 cc की 4-stroke 2-valve सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड VS6 कंप्लाइंट ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाती है, जो 18.04 PS की मैक्सिमम पावर और 16.45 न्यूटन मीटर के मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके दे सकती है। गियरबॉक्स की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो 1 डाउन और 5 अप में वर्क करती है। टॉप स्पीड की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आप 0-60 किलोमीटर पर आवर 4.81 सेकंड में अचीव कर सकते हो, और तो और 0-80 किलोमीटर पर आवर 8.28 सेकंड में आप अचीव कर सकते हो, और उसी के साथ आप 0-100 किलोमीटर पर आवर ओनली 14.10 सेकंड में अचीव कर सकते हो। सस्पेंशन की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक डबल DU बूस्ट देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ आपको रियर में 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको फ्रंट में 90x90 सेक्शन की 21 इंचेस वाला और रियर में 120x80 सेक्शन की 18 इंचेस वाला ट्यूब टायर देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क देखने को मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 में आपको 823 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और तो और बाइक में आपको 157 kg की कार वेट भी देखने को मिल जाती है। हीरो एक्सपल्स 200 में आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाती है, तो कभी अगर सेल्फ स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर बैटरी में कोई इशू हो जाता है, तो फिर आप किक स्टार्ट की मदद ले सकते हो। बाइक में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट हुई तो क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट गर्ड भी देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको ओपन चेन और बॉक्स टाइप स्विंगम भी देखने को मिल जाती है। हीरो एक्सपल्स 200 में आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको पिलियन के लिए ग्रैबलेस भी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 200 आपको 118,230 rupees की एक्स शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ 136,740 rupees की ऑन रोड प्राइस में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया, फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।